www.yuvashakticard.in हेजेर ती लॉन्च कर तुझान लॉग इन करपाता आनी यू कैन लॉग इन एंड जॉइन द स्कीम. नाउ वी आर लॉन्चिंग, वी हैव लॉन्च इट एंड इट इज अ एमजीपी टीएमसी जॉइंट अलायंस स्कीम. आता युवाशक्तीचेर हे स्किमीचेर जायत जाणा बेनिफीट मेळटली. बेनिफीट म्हण ती इट वील बी इंटरेस्ट रेट वील बी हार्डली 4%. वेरियस बेनिफिट्स आसले तितू. आतां ग्रहलक्ष्मी स्किमीचेर आमगेली बजेटरी अलावंस, बजेटरी हें जातलें एलोकेशन इज हार्डली अराउंड 2100 crores. आज देखून ग्रहलक्ष्मी, आज ती लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा, दुसरी स्कीम आसा, इट इज कमिंग टू मच मोर देन ऑल दॅट. द आमगे स्कीम पळया ती मातशें इल्लीशी बजेटरी एलोकेशन मातशें मायज जातलें, बट देन वेस्टफूल एक्सपेंडिचर्स एंड इफेक्टीव यूज ऑफ द बजेटाचेर हें जातलें. प्लस देर वील बी अदर इश्यूज. आतां पळय आसा तें तुगेलें मायनींग डम्प्स जावं दुसरी इश्यूचेर, ऑक्शनिंग ऑफ माइन्स जावं तुगे आनी कितें इश्यूचेर, ऑक्शनिंग ऑफ डम्प्स हेचेर ही रिकवरी जातली. एंड वी प्लॅन टू हेल्प द पीपल ऑफ गोवा. दीस इज टू सी दॅट नॅचरल रिसोर्सीस गो डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ गोवा. नाव ऑल दीस स्किम्स आर डन इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा, लुकिंग इन टू द बेनिफिट्स ऑफ विच एक्झॅक्ट स्ट्राटा ऑफ पीपल रिक्वायर द बेनिफिट एंड अकॉर्डिंगली दीस स्किम्स आर मेड. सो आय थिंक आय वील गिव मिस्टर जॉय सरकार टू कंटिन्यू द गृहलक्ष्मी स्कीम. इज वाइडली पॉप्युलर इन बंगाल. इट सिंपली मीन्स दॅट इन दिस डेज ऑफ स्ट्रगल वेन पीपल हॅव नो आयडिया ऑफ वेअर मनी इज गोन टू कम फ्रॉम, द वुमन ऑफ द हाऊस होल्ड हार्डली हॅज अन ऑपॉर्च्युनिटी ड्यूरिंग कोविड एंड अदर्स टू गो एंड अर्न. ड्यूरिंग दीज टू इयर्स दे हॅव बीन गिवन monthly grant which comes to an annual grant of 6,000 rupees. So 5,000 rupees makes a lot of difference. In a struggling household where 3 to 4 members pool together for just 20,000 rupees, that is the average all over India. 5,000 rupees if mother and 5,000 rupees if sister brings, it makes a lot of difference. Lot of difference. They become immediately empowered within the family. So this scheme is specifically ye hai 5000 in Goa, so it will be 60,000 monthly. To isme jo fayda hai, fayda is that woman of the household get an independent source of money coming from the government to them, and it's assured. हमारा वहां कितने करोड़ को मिले आई एम नॉट श्योर, बट 3-4 crore को तो मिल ही गया. अच्छा, तो सरकार कहां से ये पैसा लाती? हाउ डज द गवर्नमेंट ब्रिंग दिस मनी? दैट इज द क्वेश्चन. व्हाई इज इट दैट अदर गवर्नमेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू डू इट? ममता बैनर्जीज फिलोसफी इज वेरी सिंपल. शी सेज डोंट स्पेंड मनी ऑन यूजलेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ आई हैव बीन IAS ऑफिसर देयर फॉर 40 years, ओके, 20 in Delhi and 20 in Bengal. I have seen what wasteful expenditure means. Every time there is a budgetary allocation given to a department, koi bhi mantralay ko paisa diya jata, wo immediately engineer ko bula ke ek building bana lete, ek bridge bana lete, aur usko jo kharch hai wo koi seema nahi hai, badhte rehta. Ye jo bade bade civil construction kaam mein much of the corruption in Indian lies. Much of the corruption in the bureaucracy lies in spending big time cash money. वहां अगर कम किया जाए, वहां से काटा जाए, वहां से बेर मिनिमम जितना देना है उतना ही देना जाए, then the civil expenditure जिसको हम कहते हैं ऊपर वाले civil expenditure या capital expenditure वो कम हो जाता है. वो कम करने से हम revenue expenditure जो जो लोगों के लिए दे सकते हैं, directly benefit कर सकता, वो हम दे पाते. ठीक है, इसी फॉर्मूला से शी हैज प्रूवन लास्ट 2 years कि गृहलक्ष्मी स्कीम कितने बेनिफिट पहुंचाए. या आप कभी भी वेब पे देख लीजिए, कहीं भी चेक कर लीजिए, क्रिटिकल मीडिया से भी चेक कर लीजिए, देखेंगे गृहलक्ष्मी स्कीम इज अ सुपर हिट स्कीम.
द सेकेंड स्कीम ये है युव शक्ति स्कीम. युव शक्ति स्कीम इज फ्रॉम 18 to 25. 18 to 40 years. 45. Now, this is the time when boys who are not able to earn, young men and women who are not able to earn directly in this very troubled market. So, they need to start their own career. Now, waiting for a sarkari job, waiting for a railway job, waiting for a banking job is what they used to do. My generation wasted its life waiting for a sarkari job. Ab young men wo kisi ke liye wait nahi karta. Wo sab mujhe thoda rakam de do, mujhe thoda paisa de do, main apne aap dhanda kar lunga. Paisa dega kaun? Question is kaun dega? Ye paisa abhi bank se milegi at a highly guaranteed and subsidized rate. Paisa le loan le bhi to wapas kaise denge? 12% 14% 18% लोन लेके वो वापस कैसे देंगे? 100 रुपया लिया तो 120 रुपया देना पड़ेगा ऑलमोस्ट एवरी सेकंड मंथ ना. तो ये बंद करने के लिए टू स्टॉप दिस टू हैव दिस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीन ब्रॉट डाउन टू जस्ट 4%. अब आप कह सकते हैं कि 4% और 18% में जो फर्क है वो कौन देगा? बैंक तो छोड़ेगा नहीं ना. बैंक कहेंगे कि मेरा रेट इज 16% फॉर दिस क्लास, 14% फॉर दिस क्लास ऑफ इंडस्ट्री फॉर दिस टाइप. सो ये जो बीच वाला है लेट मी पुट इट द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दैट इज द मनी दैट इज बीन गारंटीड बाय ममता बनर्जी. शी इज सेइंग आई विल पे द डिफरेंस. Why is she not giving direct cash? Because direct cash इनके हाथ में देने से they may not be able to spend it properly or may they may take it elsewhere. But if you take a loan, then you have an obligation. You have a commitment to what you are doing. So ये commitment के लिए मुश्किल दो ही होता है. Loan देगा. Number two is मुझे क्यों देगा? मेरे पास तो कुछ collateral नहीं है. घर मकान कुछ नहीं है. मेरे पापा यहां काम करता, मां यहां काम करता, वहां का प्रॉपर्टी का क्या दिखाएंगे? लोन क्यों देंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है ममता बनर्जी ने कहा, टीएमसी ने कहा कि हम देंगे. हम आई एम स्टैंडिंग, यू विल गिव द लोन बिकॉज आई एम टेलिंग यू टू गिव द लोन. रिस्क इन्वॉल्व इज माई रिस्क. नंबर टू कोलैटरल. कोलैटरल माने जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी, जिसको बंधक देते हम लोग प्रॉपर्टी. तो मेरे पास आधे आदमी को तो प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी कहां से दिखाएंगे? सो प्रॉपर्टी के खिलाफ, आई मीन प्रॉपर्टी के जगह द गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग गारंटी. जा अगर कुछ हो जाए हम गारंटी स्टैंड करेंगे. इनकी इनमें दम है, इसमें इच्छा है, इसमें अभी तक ताकत है. ये ताकत युवा शक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए. इनको ज्यादा फ्रस्ट्रेट करके इधर उधर रिश्वत विश्वत के बाजार में मत घुसाया करो, स्ट्रेट काम करो, स्ट्रेट निकलेगा. एंड थर्ड इज अगर मुझे दे भी दिया, अगर मुझसे कोलैटरल भी नहीं लिया तो मुझसे तो सूद मांगेगा ना, इंटरेस्ट रेट मांगेगा 16% 18%. उतना इंटरेस्ट मैं कहां से दूंगा? तुम 4% दे पाओगे, भला 4% 6% दे पाओगे, हाँ 6%, ठीक है तुम 4% दो, बाकी जो है बिटवीन 4% एंड द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट इज गारंटिंग. सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल स्कीम्स. बंगाल में ममता बनर्जी जीती बिकॉज शी नोज व्हाट द पीपल आर. शी कम्स फ्रॉम द पीपल, शी इज नॉट कमिंग फ्रॉम द स्काइज. शी हैज ग्रोन अप जमीन से, काम करे जमीन से का रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है. So this is this, and there have been other schemes in Bengal also that only 50%. So कहीं भी कोई संस्था में in no organization to be find more than 5%, 7%, 10%. So 43% are being deprived. The deprivation इनको जो कमी दे जाती है 40%, 30%, 35%, depending on what we are talking about. Politics में तो reservation of seats will अब तक लाने ही नहीं लिया ठीक से कि हम रिजर्व करेंगे इतने सीट, 33% सीट हम रिजर्व करेंगे
ताकि 50% वुमन जहां जहां इनके स्ट्रेंथ है एटलीस्ट भगवान के नाम पे 33% तो मिले, वो भी अलाउ नहीं किया। व्हाट ममता बनर्जी हैज डन इन द रीसेंट इलेक्शन 10 दिन पहले, ओनली 10 डेज बिफोर, कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 44% ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर फीमेल्स वुमन, 44%। 50 कितना नजदीक आज तक किसी ने कहीं पहुंचा ही नहीं, इतने नजदीक पहुंच गया 50 के, 44% हाईएस्ट। बरो चेयरमैन जिसको हम कहते हैं बरो चेयरमैन ग्रुप्स ऑफ वार्ड, उनके जो चेयरमैन जो यहां पर म्युनिसिपल चेयरमैन का बराबर होगा वो 44, वो उसका भी हो गया समथिंग लाइक 36%, मोर देन 1/3। बिकॉज शी इज अ लेडी, बिकॉज शी हैज कम अप फ्रॉम द फील्ड, वो जमीन से रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, जमीन पे काम किया, जानते कि क्या स्कीम देना है। ऊपर से हम लोग ब्यूरोक्रेट बना देंगे एक स्कीम, वो स्कीम चालू करो, उसमें से किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है, कौन लेगा, फॉल्स सर्टिफिकेट देगा, ये सब बंद करो, सीधी बात करो, सीधी बात करो। वो तो वो ही लोग बनाएगा, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी हो गए मुझे लास्ट मिनट पार्टी से। अरे मत रिजर्वेशन भी आप रखेंगे, अभी जैसे आपने बोला है कोलकाता में हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन के जगह हम जब नॉमिनेशन करते तभी हम देख लेते, जहां तक संभव जितना तक संभव हम दे देते। जैसा कलकत्ता कॉर्पोरेशन में दिखाया, कोई बड़े शहर है हिंदुस्तान में, बॉम्बे, दिल्ली, मुंबई कहिए, चेन्नई कहिए, कोई बैंगलोर कहिए, कोई शहर में जो फुल उनका जो कॉर्पोरेशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज तक दिखाइए वहां 25% फीमेल है कि नहीं, 20% है कि नहीं, दिखाई बड़े बड़े बात करते, यहां 44% लाया, थोड़ा हो जाता 6% हो जाता तो 50 हो जाता, दैट इज ममता बनर्जी। अभी ये इलेक्शन में आपकी पार्टी जीत गए तो आप लोग भी, उसके बाद पंचायत इलेक्शन आने वाला है, म्यूनिसपालिटी का आने वाला है, उसमें रिजर्वेशन वही मॉडल यहाँ करेंगे आप? देखिए हम तो चाहते जहां जाकर दिखाते, फिर बात करके वादा करके प्रॉमिस करके कुछ नहीं, काम करके दिखाते पहले, उसके बाद हम वादा करते।